मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ इंदौर से छतरपुर जा रही बस बुधवार रात करीब 1 बजे अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसा रायसेन स्थित दरगाह के पास रिछन नदी के पुल पर हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 22 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे समेत कई लापता लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने ये जानकारी दी है कि ओम साई राम ट्रेवल्स की बस पुल पर बड़े गड्ढे की वजह से अनियंत्रित हो गई और रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। नदी में बहाव तेज होने के कारण रात को रेस्क्यू में दिक्कत आई। पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चला रही है। देर रात तक 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। ओम साई ट्रेवल्स की बस थी जो इंदौर से छतरपुर जा रही थी। दरगाह के पास जो नाला है, ये बस जो अभी प्रारंभिक रूप से लगाए थे, संभवतः स्पीड ज़्यादा रही होगी, अनियंत्रित होकर के नाले में गिरी है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। इसमें अभी जो प्रारंभिक रूप से हमें 5 बॉडी मिल गई हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 5 लोगों की। 11 लोग जो गंभीर घायल थे उनको भोपाल हमीदिया में रेफर किया है और 7 लोग हैं जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है।